गुड मॉर्निंग मैम. या आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पीए के पास है, कलेक्ट कर लीजिए. मेरा मैनेजर आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देगा और कल आपको बताएगा कि आप किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं. वेलकम टू वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस, यू मे गो. मैम क्या मैं बैठ सकता हूँ? मैम मैं यहाँ आपकी कंपनी की नौकरी ज्वाइन करने नहीं आया. आपसे रूबरू मिलके ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए ये बोलने के लिए आया हूँ. जब मेरे पास कुछ नहीं था, रामकुमार जी ने मुझे काम दिया, मुझे उन्हीं का वफादार बने रहना है. तुम किस नौकरी को छोड़ रहे हो ये पता है? इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोग पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं और तुम हो कि? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ मैम. आपकी कंपनी में मैं खुद 25 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट मेरा अपना एक ख्वाब है. मैम मेरे भरोसे 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो बिना मुझसे कोई उम्मीद किए मेरे साथ काम कर रहे हैं. हम सब ने मिलकर लोन लेकर अपनी कंपनी शुरू करने का प्लान किया है, जिसमें रामकुमार जी भी हमारी मदद करेंगे. अब अगर मैंने ये नौकरी एक्सेप्ट की तो वो सब ठप हो जाएगा, गलत मत समझिए मैम. एक मिनट, तुम्हारा ना होना मेरी कंपनी के लिए नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी में नौकरी ना करना तुम्हारे लिए नुकसान होगा. हजारों लड़के मिलकर कहीं से लोन उठाकर उसके बाद कंपनी शुरू करके इतने सारे कंपेटिटर्स के बीच प्रोजेक्ट पकड़ना, बिल्डिंग खड़ी करनी, प्रैक्टिकल है क्या? ये क्या मैम, आप मुझे इस तरह डिस्करेज कर रही हैं? कुछ दिन पहले तक इस कंपनी में नौकरी मिलना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन आज आप खुद बुलाकर इज्जत से मुझे यहाँ नौकरी ऑफर कर रही हैं. अगर इंसान चाहे तो सब कुछ प्रैक्टिकल है मैम. तुम्हारी खुद की कंपनी में बॉस कहलवाने से मेरी कंपनी का एम्प्लॉई कहलाना तुम्हारे लिए बड़ा स्टेटस है. मैडम, मैं शेर की दुम बनने से ज्यादा बिल्ली का सिर बनना पसंद करूंगा. हैव अ गुड डे. सर गाड़ी रोक दी है, अब आप जाओ. रोक दी? ये चलती कब थी जो तुमने रोक दी? सर आपको ड्रॉप किया है, अब अपने घर जाओ. मिस्टर रघुवरन. सर ये क्या, आपने घर पर ड्रॉप करके मुझे मेरे घर जाने के लिए कह रहे हो? सर मेरा घर यही अंधेरी में है. आपका घर पास में वाशी में है, पैदल चले जाइए ना. अपनी गाड़ी से अभी तक पैदल ही तो लाया तुम. You always talk bad about my सुंदरी. अरे क्या कह रहे हो, अंधेरी से वाशी 30 किलोमीटर है. मुझे सेकंड स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक है, तो तभी पापा ने ये गाड़ी दी थी. और कह रहे हो पैदल जाऊं? पहले तुम यहाँ से जाओ. जाओ, go बेबे, go. जाता हूँ. ओके. किसी ने सच ही कहा है, बेवड़े के साथ नो बाइक राइडिंग. You don't talk to me for 2 days. बेबे, कट्टी. Why lock? Unnecessary. Oh, what a sad song. कहाँ हो तुम? पापा, I'm waiting outside. Please open the gate. मुझे सोने नहीं दोगे तुम? You hung up on me? Too late. I'm taking the highway. Such a tall building. Hey, बंदर छाप, नीचे उतर. अरे इतना माला चढ़ गया, अब उतरूंगा कैसे? चीज़ कितनी बदबू आ रही है. क्यों, तुमने नहाया नहीं क्या? Hey, शराब पी कर रहा है. No, पापा. शोर मत मचा वरना तेरी बीवी जाग जाएगी. चल. मैंने शादी करना चाहा तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ये तो अब पूछ रहा हूँ. No common sense. वो तो बचपन से ही कहाँ थी तेरे? तुम ठीक से खाते नहीं होगे, दुबले होते जा रहे हो. Oh, it's very bright. मैं तुझे उससे छुपा कर अंदर ला रहा हूँ और तू लाइट ऑन कर रहा है. लाइट क्यों ऑन की तुरे? क्या हुआ? मैंने पिए कि तुमने पिए? मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ ना, तो मैं लाइट कैसे डालूंगा? तूने नहीं की. शर्म नहीं आती आपको? Oh my God! No, ये शराब पीकर आए हैं तो आप ही ने चोरी छुपे अंदर ले जाकर सुला रहे हैं. चांटा मत मारिए पर डांट तो सकते हैं ना? क्यों इतनी जबान चला रही है? मेरे पापा से शर्म नहीं है? पूछती है. उसे उसे रोक मत बेटा, वरना सुबह बहुत. पापा छोड़ो 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 मैके चली जाऊंगी. एक बार भी गई है तू, हमेशा खाली हुल देती है. अरे बाजू का एक कंपाउंड है ना, दीवार कूद के नहीं जा सकती क्या? क्यों नहीं? तुम बहुत पछताओगे. मैंने भी बोला था ना सुबह बहुत पछताओगे. पापा मैं तो पूरी जिंदगी पछता रहा हूँ.
तुम्हें बिगाड़ने वाली तुम्हारी माँ थी, वो ठीक परवरिश करती तो मैं क्यों तकलीफ उठाती। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? माँ देख लिया, ये लड़की क्या क्या बोल रही है, देख लिया माँ। सेंटिमेंट शुरू। तुम ये सुनना नहीं चाहती थी तो दुनिया छोड़ के गई माँ, अगर तुम साथ होती तो ये सुनने की नौबत नहीं आती। रहने दे, तेरी माँ ने तुझे इससे भी कड़वी बातें सुनाई, आ जा। Oh my God! जब बेरोजगार थे तब तो पीते थे, अब एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, अब क्यों पी रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शादी जो हो गई है। मेरे अलावा और कौन तुमसे शादी करती? जब मैंने तुमसे शादी की एक नंबर के बेले थे तो। ए, बेला किसको बोलती हो? मैं सिंगल हूँ और यंग भी। शादी हो गई है तुम्हारी, ना सिंगल हो ना यंग हो, जाओ जाके सो। बाबूजी, अब आप बिगाड़ रहे हैं इन्हें। मार के 32 ही निकाल दूंगा, डेंटिस्ट है ये भी नहीं देखूंगा। क्या घूरती है, डरूंगा नहीं। ए, कार्तिक सुन, शादी मत करना, याद रख कार्तिक, शादी मत करना। तुम बुरा मत मानना। ऐसे बात की मैंने और इतनी हिम्मत भी दिखाई। घर के आसपास भी मत जाना, पापा भाभी के जागने से पहले उठकर ह्यूमर क्लब चले गए, उन्होंने तुम्हें वहां बुलाया। पापा, आपके कहने पर गजरा लेकर आ रहा हूं, अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ ना तो। मैं लेट क्यों हुआ पता है? नहीं तो टाइम पर ही तो आए हो। वही तो, मैं टाइम पर लेट कैसे हुआ पता है? तुम्हारे लिए गजरा जो लाया हूं। गजरा? यस। मेरे लिए? यस। आज पहली बार मेरे लिए गजरा क्यों लाए हो? पापा का आइडिया था। बिना वजह अचानक मेरे लिए गजरा क्यों लेकर आ गए? लो, लगा लो। क्या गड़बड़ की तुमने? ए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं किया तो गजरा क्यों लाए हो? ओ गॉड। तब तो। अरे बोलो ना। किसी दूसरी लड़की से। हाय, मैं लूट के क्या करूं? अरे कुछ मत करो, किसी से मत पूछो। हाय बाबूजी। ए, कहाँ जा रहे हैं? अंदर अंदर सर्जी का स्ट्राइक हो रहा है, चल सरहद पर। अरे मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी शक्ल तुम्हारे सिवा किसे पसंद आएगी? लॉजिक तो सही है, लेकिन क्या क्या तुमने? कुछ नहीं किया। इस पर यकीन मत करो शालिनी। फूको। This is ridiculous, I say. फूको। ए, नहीं पिया मैंने। नहीं पीना तो डर किसने? फूको। बू आ रही है। ए, अभी पी नहीं तो बू कैसे आएगी? मुझे बू आ रही है। सच में नहीं पिए? मेरा किया तुमने? ए, भगवान, पापा, पापा, मैं क्या करूं ये कम्मा गजरा? Just stick to plans, Aphilis. No changes. We need at least 10 more engineers on site. What are all those workers doing over there? Lunch break is over. All of you get back. मैडम, वो चेटियार के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्लान में एक छोटी सी। वो अभी तक नहीं भेजा? मैडम भेज दिया मैडम, कोर्ट भी भेजा है, लेकिन उन्होंने मैं पर्सनली बुलाया है, वो आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। क्यों? तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं था? मैम, हमने प्रेजेंटेशन देकर उनकी टीम को प्रॉपर क्लैरिटी भी दे दी है, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। पता चला है कि वो अपनी बिजनेस डील ऐसे ही करते हैं, वो किसी को भी रूबरू मिलने के बाद ही ओके करते हैं। मैम, व्हाट नॉनसेंस, मैं क्यों जाऊं? यू गो एंड डील विद इट। सॉरी मैम, इट्स अ 600 करोड़ प्रोजेक्ट, आपका होना बहुत जरूरी है। इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट मैम। रघुवरन, इसमें अगर वसुंधरा कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है तो ये प्रोजेक्ट हमें मिलना नामुमकिन है। मिले या ना मिले सर, हमें तो अपना काम करना है, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। चलिए। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं मैम। दो लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट देने की क्या जरूरत थी चटियार को? Such an embarrassment. Sorry, ma'am. We weren't informed. मैडम, मैं रघुवरन, आपको याद है? आई एम राजमोहन। शट अप, सो क्यूट। गुड मॉर्निंग मिस्टर रामकुमार। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, ये तो आपको शट अप बोल के जा रही है। पूछा था चुप होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसने शट अप कहकर सही जवाब दिया। आई थिंक शी मस्ट बी वेरी गुड इन हर इंग्लिश। और थोड़ा बेटर बहाना करते बेबे। अरे छोड़ो ना बेबे। बोलिए मैडम, आपके डिजाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई प्रेफर अ प्राइवेट मीटिंग। अकेले में बात करें? अकेले में बात करनी थी तो घर में बुलाती, पलटन के साथ यहाँ क्यों आई? शट अप, सो क्यूट। अरे इसमें क्या है, यही बोलिए ना, लेकिन समझ में आ जाए बस। हम्म,
जंग शुरू होने वाली है. Maybe. So basically the concept of this design is to create free flowing spaces and unobstructed views which will accommodate more number of units. As per our plan, in case of any emergency evacuation, it's like that. For construction, it's German technology, so you're getting it, right? Mm-hmm. Okay, good. And of course, we have our floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of area is utilized to the maximum in order to make it one of the most highly sustainable hospitals in this entire region. Basically, it's a 600 crore project that we will execute within a 2-year period of time. Okay? समझ गए? समझ गया. बेबे, लगता है मैडम कहीं रूम बुक करके रिहर्सल करके आई है. ऐसे ही लगता है. सर, लगे हाथों अपना डिजाइन भी बताइए. रघुवरन सर, प्लीज. सर जी, अब ये देखिए सर जी, हॉस्पिटल के लिए अहम बात यह है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के करीब होना चाहिए. अपना लैंड ऐसी जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैं चाहता हूँ कि सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाएं, क्योंकि सूरज की किरणों में हीलिंग पावर्स हैं. और वास्तु भी बिल्कुल सही है सर जी, मैंने चेक कर लिया है. ये जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, इसको थोड़ा हाइट पर रखा है ताकि बारिश में पानी ना जम जाए. हाँ, समझ गया, समझ गया. एम्बुलेंस के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और ओपन एरिया है जहाँ से हवा चलती रहेगी. हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो तो बहुत अच्छा गाना है. मुझे लेके साथ चल तू, यू ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू. वाह वाह, क्या गाना है. संभल मेरे साथ चल तू, मुझे लेके साथ चल तू. और सर जी, इस जगह पर फार्मेसी होगी. बाकी सब बेसिकली आपने जैसे चाहा वैसा ही रखा है. और भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, पर वो सुना के आपको बोर नहीं करना चाहता. देखा जाए तो आपका डिजाइन ही बेहतर है और आपकी कंपनी का रेपुटेशन तो सारी दुनिया को पता है. बजट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं. प्रोजेक्ट तो आप ही को देना चाहिए. तो हमें इजाजत दीजिए सर. रुको बेटा, बट I like your attitude and behavior better. That's a very bright boy you have, Mr. Ram Kumar. Street smart. Stay the way you are. You will go a long way. Congrats. The project is yours. What? Good luck. Congrats. Thank you, sir. And make sure I made the right choice.